अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़िले हुमा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं नोबल मैग। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पीनट्स नान खताई। पीनट्स नान खताई बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये मैं कम से कम कैलोरीज के साथ और कम से कम मीठे के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने पॉट ओवन को हाई फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए रख दिया। तो अब इसके बाद मैं आपको अपना ओवन भी दिखा देती हूँ कि ये देखें, इसके अंदर जो है ये बजरी रखी है। आप चाहे बजरी ना रखें, सिर्फ स्टैंड रख दें तो ये आपका पॉट ओवन तैयार हो जाएगा। और इसको प्री हीट होने के लिए मैंने फुल हीट पे रख दिया है। अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब मैं आपको इसके अज़ा बताती हूँ। इसके लिए मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है, प्लेन फ्लावर, वाइट फ्लावर, और ये जो है 50 ग्राम क्रश्ड पीनट्स हैं, 1 अंडे की जर्दी है, इसको मैंने फेंट लिया है, ये साबुत हाफ जो है पीनट्स हैं, और 30 ग्राम गुड़ है, 5 ग्राम इसमें बेकिंग पाउडर है, और 100 ग्राम जैतून का तेल, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। नान खताई बनाने के लिए आपने सिंपली सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना। ये सबसे पहले मैंने मैदा डाल लिया है, इसमें आप पीनट्स डाल लें, इसी में आप ये गुड़ डालें, इसमें आप बेकिंग पाउडर डाल लें, और इसमें ऑयल डाल के इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से गूंद लें। बस आपने यही कुछ करना है। इसके बाद फिर मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ। अगर ऑयल या मैदा कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो उसको कवर किया जा सकता है। ऑयल ज़्यादा हो जाए तो आप मैदा डालें, मैदा ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा ऑयल डालें। इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स करें। ये देखें, इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं अब इसमें मैदा ऐड कर लूँगी। इसमें 50 ग्राम मैदा मैंने और ऐड किया और उसके बाद इसको थोड़ा सा गूंद लिया। अब इसको थोड़ा सा और मज़ीद गूंद के मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में ना भी रखें, जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर वैसे इसको बाहर ही चाहे रेस्ट दे लें। रेस्ट देने के बाद इसके गोल पेड़े बना के उसके ऊपर पीनट्स, एक एक दाना पीनट्स लगा के इसको मैं पिज़्ज़ा ट्रे में बेक कर लूँगी पॉट ओवन में। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो नान खताई को बेलने के बाद, हाथ से बेलने के बाद मैंने इसको की कटर से काट लिया और ये देखें ऐसे मैंने पिज़्ज़ा ट्रे में लगा लिया है। अब इनको मैं पॉट ओवन में बेक होने के लिए रख दूँगी। व्यूअर्स, नान खताई बनाना बज़ाहिर बहुत आसान है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा काम हीट को मैनेज करना है। अगर आप पॉट ओवन में हीट को मैनेज कर लेते हैं तो आपकी नान खताई बिल्कुल ठीक बनेगी, वरना ये जल भी सकती है और ख़राब भी हो सकती है। हमारा नान खताई का एक बैच तैयार हो गया। मैं इसमें दूसरा पॉट ओवन में दूसरा बैच रखने लगी हूँ। और फ्लेम इसका बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। हमारी लो फैट और लो शुगर नान खताई बिल्कुल तैयार है। इसका ब्राउन कलर गुड़ की वजह से है। आप इसको शाम की चाय के साथ इस्तेमाल करें, या नाश्ते में इस्तेमाल करें, या मेहमानों को सर्व करें, यह हर तरह से बेहतरीन है। आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।